ऐसा हुआ है। पिकअप भवन अग्निकांड में बड़ा खुलासा, भारत समाचार का एक खुलासा, पिकअप भवन में साजिश के तहत आग लगाई गई थी। ये बड़ी खबर और महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए, भारत समाचार का एक खुलासा है कि पिकअप भवन अग्निकांड साजिशन और आग जो थी वो साजिश के तहत लगाई गई थी। फाइलें जलाने के लिए आग लगाई गई, अग्निकांड में महत्वपूर्ण फाइलें जलकर राख हो गई थी और कुल मिलाकर ये जो अग्निकांड हुआ वो साजिश के तहत हुआ। अग्निकांड में महत्वपूर्ण जो फाइलें थी वो जलकर राख। एडीजी की जांच के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। पिकअप भवन अग्निकांड में ये बड़ा खुलासा, ये पूरी तफसील से ये जानकारी, पिकअप भवन में जो अग्निकांड हुआ जिसके बाद से कई सवाल भी खड़े हुए, अब इस पूरे मामले में भारत समाचार का ये खुलासा है। तो पिकअप भवन अग्निकांड जो हुआ था उस मामले में भारत समाचार का ये बड़ा खुलासा है। इस पर अब ये जानकारी मिल रही है कि साजिश के तहत ही आग लगाई गई थी। इसी पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अनूप जुड़ चुके हैं। अनूप, ये पूरा प्रकरण जो है वो साजिशन हुआ था, आग लगाई गई थी जानबूझकर ताकि जो महत्वपूर्ण फाइलें थी वो जला दी जाए, क्या अधिक जानकारी आपके पास, कौन इसके पीछे? देखिए, बिल्कुल, चार दिन पहले राजधानी लखनऊ में पिकअप भवन में जो है आग लगी थी, जिसके बाद जो है तमाम जो दमकल अधिकारी और जो अधिकारी हैं वो मौके पे पहुंचे थे और जिसके बाद जो है कहीं ना कहीं ये साजिश के तहत जो आग लगने की जो है आशंका जताई जा रही थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है खुद इस पूरे मामले का संज्ञान लेके जाँच के आदेश दिए थे और कमेटी जो है गठित करने को बोला था। जो जांच कर रही कमेटी है उसने जो रिपोर्ट दी है उसमें काफी चौंकाने वाला जो तथ्य सामने आया है, साफ हो गया है जांच रिपोर्ट में कि साजिश के तहत जो है पिकअप भवन में आग लगाई गई थी, क्योंकि दूसरे और तीसरे तल पे जहां पे लेखा और फाइनेंस का जो है कि तमाम जो इंपॉर्टेंट जो फाइलें हैं वो रखी रहती हैं, तमाम जो उद्योगपति हैं, बड़े जो व्यापारी हैं, उनको वहां से मोटा जो कर्ज है वो देने का काम होता है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि फाइलों का ऑडिट भी होना था, तो ऐसे में इससे पहले ही जो है फाइलें जो है जलाई गई हैं। रिपोर्ट में बिल्कुल साफ हो गया है कि वहां पे उस वक्त तमाम ऐसे लोग थे जिनकी जो है सहभागिता सामने आ रही है, हालांकि अभी जो नाम है वो अभी सामने ओपन नहीं किए गए, लेकिन विभूति का थाने तमाम जो लोग जिनकी सहभागिता सामने आ रही है उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक नाम किसी का सामने नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनूप तमाम जानकारियों के लिए, क्योंकि बड़ा ये मामला है इस प्रकरण के।